जो कोरोना जिस तरीके से अपने पांव पसार रहा है, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोगों को संक्रमित कर रहा है, उसकी वजह और जो उसके जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बांदी कोई शहर का जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते पूरे प्रशासन जो अपने शहर की जो सीमा है, कैमरा पर्सन यह दिखाएंगे आपको, जो सीमा है उनको यहाँ पे लगभग बैरिकेड्स करके सील कर दिया है। लोग जो जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको आवश्यकता इमरजेंसी है, उन लोगों की अब यहाँ पे देख रेख बढ़ा दी गई है। पुलिस का पहरा यहाँ पे तैयार कर दिया है। पुलिस के पहरे से बच के अब वही लोग निकलेंगे जो इमरजेंसी के लिए आए, अन्यथा जो घूमने फिरने के मूड से अगर यहाँ आते हैं तो वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई के शिकार होंगे। तो बांदीकुई न्यूज़ भी आपसे यही निवेदन करती है कि जो बगैर मास्क के जो लोग शहर में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बगैर मास्क के शहर में ना आए और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है बांदीकुई पुलिस। देखिए यहाँ जिस तरीके से यहाँ आप जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी यहाँ चेकिंग की जा रही है और मालूम किया जा रहा है उनसे कि आप यहाँ शहर में अगर आ रहे हो तो किस वजह से शहर में आ रहे हो। काफ़ी जो जाँच है उसके बाद ही लोगों को शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना धीरे धीरे अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अब किसी तरीके की यहाँ कोई भी वो कमी नहीं छोड़ना चाहता कि जिससे कि ये जो कोरोना का संक्रमण है उसकी वजह से किसी भी तरह की कोई नई परेशानी यहाँ पे खड़ी हो। पिछले साल भी हमने कोरोना की जंग को इसी तरीके से जीता था। पुलिस प्रशासन ने वो अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाओं उसने शहर पर नज़र बनाए हुए था। अब जो 14 दिन का जो जन अनुशासन पखवाड़ा जो लगा है उसके दूसरे दिन आज पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सख्तियाँ यहाँ पे बढ़ाई है। इसके चलते जो शहर की जो प्रमुख रोड है उसके जो चौराहे हैं, जो बाहर की जो सीमा है उन पर बैरिकेड्स लगा करके यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं ताकि अनावश्यक भीड़ शहर में एकत्रित ना हो सके। और इसी संबंध में जो यहाँ पे जो निगरानी पे है बांदीकुई के जो पुलिसकर्मी निगरानी के तौर पे, उनसे मैं यहाँ बात करना चाहूँगा और जानना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी यहाँ जिस तरीके से जो दिन प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बांदीकुई प्रशासन की भी नींदें पूरी होंगी, जिसके चलते आज इस तरीके से शहर में कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने जो दुकानों को यहाँ पे सीज किया गया, जो दुकानें यहाँ पे खोली जा रही है चोरी छुपके से, उन दुकानों में कार्रवाई भी की आज प्रशासन ने, सीज भी किया गया है दुकानों को। और कहीं ना कहीं जो टीम है प्रशासन ने जो टीम गठित कर रखी है, उन टीमों के चलते यहाँ पे प्रशासन ने टीम गठित करके कार्रवाई कराने के लिए टीमों को गठन करके शहर में छोड़ रखे हैं ताकि वो निगरानी बनाए रखें कि किस तरीके से ये जो लोग हैं जो बाजार में बेकाम से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको कोई काम यहाँ पे नहीं है, उन लोगों पे यहाँ पे निगरानी बनाए रखें। मैं मिलवाता हूँ आपको जो यहाँ पे निगरानी में हमारे यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है। चालान यहाँ पे किया जाएगा, बात करेंगे हम यहाँ जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे हम इनसे। देखिए जो बगैर काम के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जा रहा है, उनसे जाना जा रहा है कि वो किस काम के लिए बाजार में आए। तो अब इन लोगों से जानने की बात ये होगी कि किस तरीके की पुलिस यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर ये चेकिंग की जा रही है जो अनावश्यक रूप से जो लोग इधर उधर गाइडलाइंस है, अवगत कराया जा रहा है लोगों को। क्या लगता है आप?